Hello students, welcome back in maths online class. This is Manish Singh, your math teacher. In today's video, firstly we'll be discussing about the homework, class homework, means homework of 1st July. And you know what was the homework. Read and write the rational number and understand also. So, in rational number, you know rational numbers totally depend on the sum numbers. Which is a first, first is a natural number, and you know very well what is a natural number, counting number means which number is starting from one, which number we can count from one is known as a rational number, and then whole number. Whole number when we include the zero, zero in the set of natural number, then कॉल द होल नंबर एंड द नेक्स्ट नंबर इज़ अ इंटीजर इंटीज़र यू नो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीजर एन आल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इंटीजर इंटीज़र क्या होता है इंटीजर ऑल पॉजिटिव एंड ऑल निगेटिव टुगेदर विद जीरो मीन्स सारे जितने भी पॉजिटिव हैं और जितने भी निगेटिव नंबर हैं जीरो के साथ जब इनको हम इंक्लूड कर देते हैं तो एक नंबर बन जाता है और उस नंबर को हम कहते हैं इंटीज़र

प्लस जीरो राइट कर सकते हैं नहीं माइनस जीरो राइट कर सकते हैं मीन्स वी कैन नॉट राइट द जीरो विथ साइन सो दिस ऑल अबाउट फॉर द नंबर्स नाउ टॉपिक मेन टॉपिक वॉज रेशनल नंबर नंबर मीन्स रेशनल नंबर यू नो दैट टोटली डिपेंड ऑन द नेचुरल नंबर होल नंबर एंड इंटीजर विदाउट नेचुरल होल एंड इंटीजर वी कैन नॉट डिफाइन द रशनल नंबर सो स्टूडेंट्स वॉट इज़ अ रेशन नंबर रेशन नंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ वेरी इजी रेशन नंबर इज़ अ एसपल टाइप नंबर एक एक एसपसल टाइप नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर्स को अगर हम पी अपन क्यू के फॉर्म में राइट कर दें पी अपन क्यू के फॉर्म में मीन्स हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर दें या कर सकें तो वो होगा रेशनल नंबर मीनिंग इफ रेशन नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p upon q p upon q. what is here p upon q p upon q and you know this type number is known as also fraction number so this is p is a numerator and q is a denominator and this line is known as a fraction bar so if you can write any number in the form of fraction means p upon q where p and q both are integer both are integer and important note is what is here

5 is a denominator, so this is a rational number because 5 is not equals to 0, means denominator is not equals to 0, same as <coughs> 3 upon 0. Look here 3 upon 0, 0 is the denominator, and if any fraction or any rational number have a denominator 0, so that Means उसको हम में नहीं कहेंगे अगर उस जीरो है अगर डीमेटर जीरो है तो वो होगा ही नहीं सो थ्री अपॉन जीरो इज नॉट अल नंबर बिकॉज डिनोमेटर इज इक्वल टू जीरो वी कैन नॉट से दिस इज द रेशनल नंबर एंड दिज आर एग्जाम्पल एंड इम्पॉर्टेंट नोट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द नंबर वॉट वी कैन नॉट राइट इन रेशन नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेचनल नंबर मीन्स हम सारे नेचल नंबर को रेशनल नंबर में रख सकते हैं लेकिन हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है सेम एज इन जीरो वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू बिकॉज वी कैन राइट एज अ डिनोमेटर वन सो जीरो इज अ रेशनल नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जीरो इज अ रेशनल नंबर नाउ नेक्स्ट इज़ अ दिस इज एंड सम एवरी integer integer means plus 5 or minus 7 these are integer and 0 is also integer so we can write in a rational number form Yes, we can write in a rational number form. We can have so minus 7 upon 1 or plus 5 upon 1 so these are a rational number and But 5 upon 8 minus 7 upon 9 are 11 upon minus 6 are not an integer बिकॉज दिज आर रेशनल नंबर मीन्स फैक्शन नंबर वी कैन नॉट इंक्लूड एज अ इंटीज़र दिसशन नंबर आर रेशनल नंबर मीनिंग ये हुई कि जितने भी इंटीज़र हैं उनको रेशनल नंबर में राइट कर सकते हैं लेकिन रेशनल नंबर को हम इंटीज़र में राइट नहीं कर सकते हैं सेम एज़ फैक्शन में ऐसे ही है फैक्शन को हम रेशन नंबर कह सकते हैं लेकिन सारे रेश नंबर को हम फैक्शन में नहीं कह सकते हैं क्यों बिकॉज इफ एनी फैक्शन negative denominator so that fraction that number are not a fraction which number which number there's that a rational number now next topic and today's first topic is a positive एंड नेगेटिव रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म देन एबसेल्यूट वैल्यू रेशनल नंबर एंड हाउ टू राइट इन अ पॉजिटिव फॉर्म सो पॉजिटिव वेरी इजी विच नंबर वी कैन से विच नंबर इज अ पॉजिटिव एंड विच नंबर इज अ नेगेटिव दोनों टोटली डिपेंड हैं लाइक और अनलाइक साइन पे मीनिंग न्यूमरेटर

न्यू मैटर और डिना दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में दोनों लाइक साइन में है या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव में हो दोनों पॉजिटिव मींस प्लस एट अपॉन फाइव आर माइनस सेवन अपॉन माइनस थ्री लुक माइनस सेवन एंड अपॉन माइनस थ्री बोथ विद ही प्लस एट एंड प्लस फाइव बोथ आ आर अ पॉजिटिव रेशन नंबर एंड इन नेगेटिव जैसे अपॉजिट ऑफ पॉजिटिव इसमें क्या हुआ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर दोनों डिफरेंट साइन में हो तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर लाइक एज माइनस एट अपॉन थ्री एट अपॉन थ्री न्यूमीटर पॉजिटिव एंड डिनोमीटर प्लस बोथ बहुत डिफरेंट साइन मीन दिस इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर सो नेक्स्ट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म इफ एंड यू ऑल्सो नो हाउ वी कैन राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एक्सटैंडर्ड फॉर्म मीन्स लोएस्ट आर सिंपलेस्ट टर्म आफ द फैक्शन फैक्शन आप राइट करते आए हो यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म अबाउट द फैक्शन आर लोएसट टर्म अबाउट द फैक्शन एंड ही सेम एज यहाँ सेम वही है कि आप जब किसी भी रैक्शनल नंबर को लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर देते हो तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है लाइक एज सिक्सटीन अपॉन एटीन दीज टू नंबर

8 and then 9, so 18, 9, 2 9, so 8 upon 9 is the simplest form of 16 upon 18, are a standard form of 16 upon 18 and 16 upon 18. Which type number? Rational number. Good, this is a rational number. Now, second example, look here in the second example 15 upon minus 3. One things is remind here. डिनोमेटर गिवेन इन ए ने फॉर्म मीन विद माइनस साइन देन फर्स्टली वी कन्वर्ट इन ए पॉजिटिव फॉर्म एंड हाउ वी कैन राइट एनी डिनोमेटर इन पॉजिटिव फॉर्म सो वी हैवन फार्मूला दिस इज दिस इज द फार्मूला इफ अगर किसी भी नंबर किसी फैक्शन रेशन नंबर का डिनोमेटर नेगेटिव फॉर्म में है तो उसको हम पॉजिटिव फॉर्म में कैसे राइट करते हैं तो एक फार्मूला हमारे पास है वी वन फार्मूला वी मल्टीप्लाई बाय बोथ मींस न्यूमीटर और डिनोमीटर दोनों को हम मल्टीप्लाइंग करेंगे किस से माइनस वन से सो प्लस माइनस माइनस एट एंड माइनस माइनस प्लस नाइन प्लस नाइन सो डिनोमीटर कन्वर्ट किस में हो गया पॉजिटिव फॉर्म में सो दिस इज अ रूल मीनस इफ एनी डिनोमेटर You find with the negative form. So, how we convert in positive form multiplying by minus one in a numerator and denominator both. So, this is a standard form 15 upon three. 15 upon minus 3. This is a minus 3. So, firstly, we convert in a which form? Positive form. When we convert in a positive form, then we get what? 15 upon 3. Then 15 and 3 both are divisible. Both are divisible by which number? 3. 3 1s, 3 5s. Then we get the minus 5. Minus 5. Now, absolute value. Absolute value means you have also a study in integer. What is absolute value? Numerical value of any number. Numerical value of any number is 5. So without साइन फाइव एंड वी हैव अंबल ऑफ एबस वैल्यू टू लाइन्स दिस इज द टू लाइन्स आर सिंबल ऑफ एब्सलियुट वैल्यू इफ एनी नंबर वी कैन राइट इन बिटवीन द टू लाइन देन वी कैन चेंज इन अब्सोट वैल्यू वी कैन फाइंड द एब्सिलिट वैल्यू ऑफ द गिवेन नंबर अगर किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर का एप्सुलट वैल्यू फाइंड करना है तो उसको इन दो लाइन्स के बिटवीन में राइट कर देंगे और हमको उसका एब्सिलिट वैल्यू मिल जाएगा एब्सिलस वनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवेन नंबर ना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, यू आल्सो फैमिलियर आर विद द इक्विवेलेंट। व्हाट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हो वैसे ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी होगा इक्विवेलेंट, हाउ वी कैन राइट एनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर वी कैन राइट बाई टू मैथड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द सेम number in numerator and denominator both if we have a, suppose that if we have a some uh, rational number like as 1 upon 5 and then question is saying write the two or three equivalent of 1 upon 5 so how we can write how we can write equivalent rational number so you take any number but you multiplying सेम नंबर विद द न्यू मेटर एंड डिनोमोनीटर मीन्स आप कोई भी नंबर लो लेकिन आपको उसी नंबर से न्यू में मल्टीप्लाई करना होगा और उसी नंबर से डिनोमेटर में मल्टीप्लाई करना होगा लाइक एज यू टेक द टू देन टू मल्टीप्लाइंग बाई वन एंड देन टू आल्सो मल्टीप्लाइंग बाई फाइव सो टू वन ज टू एंड टू फाइव जेन सो टू अपॉन्ट टेन इज द इक्यूबेलेंट ऑफ वन अपॉइंट फाइव मीन्स बट हियर इज अ वन अपॉइंट फाइव इज इक्वल टू टू टेन एंड यू कैन चेक इट दोनों की वैल्यू सेम होगी इसीलिए इनको एक्यू वैलेंट फ्रैक्शन या रेशन नंबर कहा जाता है वन अपॉन फाइव क्रास मल्टीप्लीसन फाइव टू ज टेन एंड टेन वन ज टेन मीन्स यू गेट द टेन इक्वल्स टू टेन मीन्स इफ यू फाइंड ए नंबर एनिशन नंबर एक यू नंबर सो बोथ वैल्यू विल बी सेम बोथ्स वैल्यू विल बी सेम लुक यर वॉट इज यर माइनस एलेवन अपॉन टेन एंड क्वेश्चन एलेवन अपॉइंट यू कैन चूज एनी नंबर यू हैव मेनी मोर नंबर यू कैन चूज एनी नंबर बट कंडीशन इज वन कंडीशन इज इयर चाहे आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई लेकिन सेम नंबर से डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई न्योमीटर और डिनोमीटर दोनों माइनस एलेवन अपॉइंट टेन मल्टीप्लाई बाई टू एंड मल्टीप्लाई बाई टू सो एलेवन टू ज ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू अपॉन्ट 20. so minus 22 upon 20 is the equivalent rational number of minus 11 upon 10 so this is the rule of equivalent rational number we can multiplying and dividing with the same number in given rational number then we can find the equivalent rational number of the given rational number

इन न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर बोथ सो माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एंड माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस नाइन एंड देन माइनस माइनस प्लस चेंज हो गया ये प्लस हो गया बस यही करना है किससे मल्टीप्लाई करना है सो यू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर बोथ इफ द क्वेश्चन इज सेट इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द नेगेटिव डिनोमेटर But if anywhere you find the negative denominator of rational number, so firstly you convert in a positive denominator. So next is now exercise 4a, and first question is find the rational number equivalent to each of the following rational number means how many? Five rational number. फाइव इक्वेलन नंबर ऑफ़ द गिवन नंबर एंड यू नो वेरिएबल हाउ यू कैन फाइंड सेम एज अ लाइक एज इक्वेन्ट फैक्शन जैसे आप इक्वेंट फैक्शन में फाइंड करते आओ हो वैसे इसमें होगा बाई मल्टीप्लाइंग विद द सेम नंबर इन न्यूमीटर एंड डिनोमीटर बोथ वट वी हैव टू अपॉन्ट फाइव देन यू कैन टेक द फाइव नंबर टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स देन यू वन बाई वन मल्टीप्लाई रेस्पेक्टफुली मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन फाइव विद विद द थ्री विद द फोर फाइव एक बार आप टू से मल्टीप्लाई करोगे टू अपॉन फाइव को एक बार थ्री से मल्टीप्लाई करोगे एक बार फोर से बट कंडीशन इज वन कंडीशन इज यर एक कंडीशन दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आप मल्टीप्लाई तो करोगे लेकिन मल्टीप्लाइंग विद न्यू मेटर एंड डिनो बोथ मीन्स आप टू को एक बार टू से मल्टीप्लाई करो न्यू मेटर से एक बार फाइव से मल्टीप्लाई करोगे So, look here like this 2 2s are 4 and 2 5 are 10 uh, is I think 10 this is a 10 4 upon 10 and this is also 4 upon 10 so 4 upon 10 then is a equivalent of 2 upon 5 then same as 3 2 3s are 6 and then 3 5s are 15 then 4 4 2s are 8 5 4s are the 20 then 5 2 5s are 5 10 5 5s are 5 the 25 then 6 2 6 are 12 and 5 is the 30 so 4 upon 10 6 upon 15 8 upon 20 and 10 upon 25 and 12 upon 30 is the equivalent rational number of 2 upon 5 these are equivalent how many rational number ask the question 25 uh, and then what is here 7 upon 9 what 9 minus 9 but no need here write in a positive denominator because question is asking the equivalent so simply you write the in equivalent by multiplying 1 times 2, 1 times 3, 1 times 4, 4, 1 times 5, and 1 times 6 in numerator and denominator both. So 14 upon minus 18, 21 upon minus 27, 28 upon minus 36, 35 upon minus 45, and 42 upon minus 54 are equivalent rational numbers of 7 upon minus 19. And second question is a With the is saying, write the... with the आप जानते हो कैसे राइट होता है कोई भी फॉर्म में कैसे राइट होता है अगर वो निगेटिव फॉर्म में है सेवन अपॉन माइनस नाइन है करा है इसको फॉर्म राइट करिए इसका तो आप सिंपल सा फार्मूला है मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन इन न्यू मीटर एंड डिनोमीटर बोथ दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किस से माइनस वन से सो सेवन माइनस वन माइनस सेवन फाइव माइनस फाइव वन देन फाइव माइनस माइनस प्लस सेवन अपॉन माइनस फाइव मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस सेवन अपऑन माइनस माइनस प्लस फाइव फाइव And then minus 21 upon minus 25. So look here minus 21 upon minus 25. So multiplying by minus 1, multiplying by minus 1. Minus minus plus, so 21 and minus minus plus, so plus 25. You can write the plus 21 and plus 25. So 21 upon 25 is the positive denominator of the negative denominator and how we can write by multiplying minus 1 in denominator and denominator both so students this was all about for today and You know very well Attendance is a very compulsory So you write your name? class and section in a comment box and today's homework is a Solve the exercise which one? For a question number one and two. One and two write in note copy. And if you want to write the notes, so you can pause the video and write the notes. All I mean rational number, definition, and point of rational number, and equivalent rational number, positive denominator, and negative denominator. So you can write from the video. So thank you and take care